सुबह 7 बजे से उड़ाए गए थे, अभी यहाँ इस छत के ऊपर सारे कबूतर बैठ चुके हैं और 95 घंटे और 32 मिनट 7 कबूतरों ने बनाए हैं। अच्छा, अभी दीगर 4 छतें 3 छतें जो है मजीद 3 लोगों के कबूतर से उड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी हमसे लोग पीछे थे, यानी किसी पर हमारे 15 घंटे थे, किसी पर 20 थे, किसी पर 25 थे। अब उनके कबूतर बैठे हैं तो फिर फाइनल हो जाएगा कि कौन हार जीत किसकी हुई है। मतलब अभी फाइनल नहीं हुआ इन टूर्नामेंट, ये जो 4 टूर्नामेंट उड़ रहे हैं इनका फाइनल नहीं हुआ, इससे पहले जो 3 टूर्नामेंट उड़ाए गए थे उनका फाइनल हो गया, वो हम फर्स्ट आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, उसमें हमने आल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन का जो टूर्नामेंट है जो कराची की सबसे कदीमी एक तंजीम है वो हमने जीता है। इसके अलावा औरंगी बल्दिया चैंपियनशिप हमने जीती है, उसके अलावा एक ट्राइंगुलर सीरीज उड़ाई गई थी वो भी हमने जीती है। अच्छा, ये कितने सूबों से ये आए हैं लोग यहाँ? आज पूरी कराची में जो है इस वक्त हमारे ईरान के भी साथी आए हुए हैं, बलूचिस्तान के भी आए हुए हैं और पंजाब से भी साथी आए हुए हैं। ये कहूँगा अभी तक तो सबके लिए दुआ गो हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तो जैसे बासित भाई के बैठ गए हैं, कुछ दूसरी छतों के, कुछ छतों के उड़ रहे हैं, जिनके घर बैठे खैर खैरियत से फिर सारा रिजल्ट का मालूम होगा कौन ऊपर है कौन नीचे है। अभी तक जैसे रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। आसिफ भाई 2 दफ़ा जीत चुके हैं, बेहतरीन टूर्नामेंट उड़ा है। आज का जो 7 रोज़ा होगा वो इंशाल्लाह कराची वालों के लिए सरप्राइज़ है। वजह ये है कि फर्स्ट वाले के कबूतर बैठे हैं, अभी सेकेंड और थर्ड वाले के उड़ रहे हैं, अब जिसके पोजिशन सबसे ज़्यादा घंटे होंगे एंड में वो जीतेगा। देखें अभी सिलसिला तो जारी है टूर्नामेंट का, इंशाल्लाह उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं फर्स्ट पोजीशन की, क्योंकि गुज़िश्ते सालों से उस्ताद अब्दुल बासित ही पोजीशन होल्डर हैं, तो इंशाल्लाह इस साल भी यही लेंगे। जिन्होंने मेहनत की है और जिनके कबूतर अभी तक परवाज कर रहे हैं उनके घर बैठे एक अच्छा रिजल्ट मिले, एक अच्छा टूर्नामेंट हो, और उसके साथ साथ जो 5 रोज़ा टूर्नामेंट थे उस्ताद अब्दुल बासित उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जिस तरीके से कराची के 5 रोज़ा टूर्नामेंट उन्होंने विन किए, बेस्ट ऑफ लक तमाम प्लेयर को। और आज का भी थोड़ा गर्मी थी इस वजह से कबूतर जो है बैठे हैं, अभी बकाया छतों के उड़ रहे हैं, उसके बाद जैसे बैठेंगे उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। अभी तक माशाल्लाह बासित भाई फर्स्ट चल रहे थे, और माशाल्लाह आप शौकीनों की तादाद देख सकते हैं बहुत बेहतरीन है। और मैं ये बताऊंगा ऑल पाकिस्तान कोहिनूर ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन उस्ताद अब्दुल बासित माशाल्लाह हर मरतबा की तरह इस दफ़ा भी फर्स्ट पोजिशन में ही आएँगे। गर्मी की वजह से कबूतर थोड़े कम ही कर गए, लेकिन माशाल्लाह फिर भी अच्छे उड़े, और हम दुआ गए हैं सबके लिए ही है, जो अच्छे उड़ाएगा इंशाल्लाह वो जीतेगा।